दोस्तों आप सबका स्वागत है मैं नए वीडियो में नए ब्लॉग में। आज आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ गोभी के भुजिया कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसके बारे में एक पूरी रेसिपी है और बहुत अच्छा लगेगा आप सबको कि आप घर पे भी बना सकते हो। और रियली बोल रहा हूँ कि आपको बहुत जल्दी में बनेगा, जल्दी बन सकता है, बहुत जल्दी में और इजी में बन सकता है। और तो आप मेरा पूरा वीडियो को देखिएगा और इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आप मैंने पूरे वीडियो को देखिएगा और मैं चाहता हूँ कि आप सब मुझे बताएं कि और मैं किस किस टॉपिक पे बनाऊं, मीन्स कौन कौन से रेसिपी बनाऊं, ठीक है। एक्चुअली कॉलेज में बहुत सारा काम होता है तो मैं सोच नहीं पाता हूँ कि क्या बनाऊं नेक्स्ट डे के लिए, और हर दिन के लिए मुझे बहुत थोड़े से ये होने लगता है, क्या कहते हैं आप बोल सकते हो कि थोड़ी सी मुझे घबराहट होने लगता है कि मेरे पास नेक्स्ट रेसिपी कौन सा होगा और क्या बनाऊंगा आप सबको पेश करने के लिए। क्योंकि ये हम सबका एक दूसरे का प्यार है, एक दूसरे का बॉन्ड है, ठीक है। जैसे कहते ना कि एक सोल्जर एक सिपाही अपने देश के लिए कैसे प्यार है उसके लिए कुछ भी कर देता है। तो ये प्यार कुछ ऐसा चीज नहीं है, कोई उठा के ला के देने वाली चीज है। ये प्यार ऐसा है, ये फीलिंग है, ये एक्सप्रेशन है एक दूसरे के लिए, ठीक है। एक कोई बंदा किसी के लिए क्यों मर मिटता है, क्योंकि उसके अंदर वो फीलिंग आता है, वो प्यार आता है। इसलिए मैं हर दिन क्यों सोचता हूँ कि कुछ नया बनाने है कुछ, क्योंकि आप सबको आप सबकी लिए जो प्यार है मेरा और आप सबके लिए जो बॉन्ड है, जो बहुत अच्छा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, और जो कभी टूटेगा नहीं। और मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि आप सबके सबसे मेरा बॉन्ड टूट जाए कभी भी। और मैं चाहता हूँ कि आप सबसे बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो और हमेशा हम सब इतने आगे चले, इतने आगे सफर में चले कि कोई भी पीछे देखेगा तो हाँ कि हाँ मिस्टर रवि था, कोई और आप सब थे जो कि आप सब ने हम एक साथ मिलके और बहुत अच्छे काम किए और बहुत कुछ किए लाइफ में। तो ये सारे बातें मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं आज लगा कि ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा लगा कि आज एक फीलिंग आ रहा है इंटरनल से अंदर से, तो इसलिए मैंने आपसे बात कर किया और आपको इस सब के बारे में बताया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। आज आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ गोभी के भुजिया। जैसे गोभी के भुजिया कैसे बनता है वो, जो कि आप है ना सुबह ब्रेकफास्ट में खा सकते हो, लंच में भी खा सकते हो, और वो गोभी की सूखी सब्जी होती है और बहुत सिंपल स्टेप में बनते हैं और बहुत हेल्दी भी होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। तो कढ़ाई गर्म हो चुके हैं, इसमें मैं थोड़ी सी आई थिंक और भी होने गर्म, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें ऑयल डालूंगा फिर उसके आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। और मैं आप सब क्या पूछूं, आप सब कुछ आप किस पे चाहते हो वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आप उस पे मुझे बताना, तो मैं उस पे बना के आपको करूंगा, आपको मैं अपलोड करूंगा। हाँ, मुझे दो तीन बाकी है, एक मंचूरियन बनाना है और भी करी बनाना है और भी एक दो वीडियो बाकी है, तो मैं उसको भी जल्द से जल्द बनाने के स्टार्ट करूंगा। और ये मैंने तेल डाल दिया है, और बहुत अच्छे लगते हैं ये भुजिया। इसके अंदर मिर्ची डालना है, आप मिर्ची अपने हिसाब से डालिएगा, जितना आप खाते हो, जितना तीखा पसंद करते हो उसके हिसाब से। मैं इसमें से कुछ मिर्ची डाल देता हूँ। क्योंकि बस इतना काफी है मिर्ची मेरे लिए, मैं इतना ही खाऊंगा तीखा। तो आप जब भी खाना बनाइए अच्छे से बनाइए, और ये खाना अच्छा लगेगा, जल्दी से बन भी जाएगा आपको और बहुत अच्छे फ्लेवर भी आएंगे, बहुत अच्छा टेस्ट भी आएंगे। मैंने जो गोभी है मैंने उसको बारीकी से तोड़ लिया है, छोटे छोटे तोड़ लिया है, देखिए कितने छोटे छोटे तोड़ के मैंने इसको पहले से ही कर लिया है इस तरह। और प्याज को भी मैंने बहुत चॉप किया हूँ, पतले चॉप किया हूँ, मैं छोटे छोटे चॉप कर लिया हूँ, जैसे कि मेरे जो प्याज है गोभी में पूरा मिक्स हो जाए अच्छे से।
और अच्छा टेस्ट आया, पता नहीं चले कि इसमें प्याज है, उसका प्याज का पतली से बारीकी सा टेस्ट आया, इसलिए मैंने प्याज को इतने पतले पतले कटिंग किया है। ठीक है यार, थोड़ी सी तेज है मेरी। और आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, दो दिन से मौसम बहुत अच्छा किया हुआ है। ठीक है, और ये मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है, ना इसमें ठंड होती है ज़्यादा ना गर्मी होती है, और इसमें हवा इतने मस्त चलते हैं, अच्छे चलते हैं कि आपको बस ऐसा लगेगा कि आप सोए रहो ऑल टाइम। मगर क्या कीजिएगा, मगर काम करना होता है, काम पे जाना होता है। आप इस मौसम को काम करते भी इंजॉय कर सकते हो अच्छे से, तो आपको बहुत चीज़ अच्छा लगेगा। अब देखिए मैंने प्याज डाल दिया, प्याज को थोड़ी सी ब्राउन हो जाए, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, थोड़ा सा येल्लोपन आ जाए। ठीक है, फिर इसके बाद मैं गोभी डालूँगा। ये तो आप सब मुझे दोस्तों अपने बारे में बताना, और आप क्या करते हो, मैंने पहले भी पूछा था तो कुछ लोग बताए थे, और आप मुझे बताना कि मेरी रेसिपी आप सबको कैसे लगते हैं, और मैं किस जगह पे इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगेगा। अब इसके अंदर अब तो देखिए जो प्याज है थोड़ी सी येलो टोन आ चुके हैं, क्योंकि प्याज और गोभी दोनों को अच्छे से पकना है, और मैंने गोभी को पहले से धो दिया हूँ, सब कुछ वॉश कर दिया हूँ। ठीक है, अब इसे मैं गोभी को इसमें प्याज के साथ डाल देता हूँ। ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स करना है। ठीक है, अच्छे से इसको थोड़ा फ्राई करना है, फ्राई ही पूरा करना है, इसमें ना कुछ पानी ऐड करना है, कुछ भी नहीं करना है, कि ये सूखी सब्जी बनेगा और बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और मैं साथ में कॉलेज के लिए मैं रोटी बेल लेता हूँ, क्योंकि तब तक ये ऐसे बनते रहेगा, तब तक आप इसे थोड़े से मीडियम गैस पे रखना है। ठीक है, और बीच बीच में इसे चलाते रहना है कि आपका ये जो भुजिया है आपका सॉरी जो गोभी का भुजिया है वो चिपक ना जाए। ठीक है, तो इस तरह से करना है। और ये देखिए अच्छे से हो गए हैं। अब इसमें मुझे इसमें थोड़ी नमक डालने हैं, मुझे हल्दी डालने हैं। पहले मैं हल्दी डाल देता हूँ, हल्दी ज़्यादा नहीं डालना, थोड़े से डालने हैं। ये देखी लाल मिर्च डाल देना है, उसके बाद थोड़ी सी गर्म मसाला डाल देना है कि बहुत अच्छा फ्लेवर आए। थोड़ा सा मैं चिकन मसाला डाल रहा हूँ। बस, और उसके बाद इसे चलाना है, फिर नमक नहीं डाला सॉरी। नमक अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा, जितना आप खाते हैं। अब इसे भी मसाले ये पूरा फ्राई हो जाएगा और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, और बहुत अच्छे एकदम स्वाद आएंगे और बहुत हेल्दी रहेगा। ठीक है, ये गोभी का भुजिया बहुत अच्छा लगेगा। मम्मी मुझे बनाती थी हमेशा, मुझे देती थी लंच में हमेशा, जब मैं स्कूल जाता था तब इस तरह टाइप से। तो और देखिए इसमें प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा होने से गोभी पूरा मिक्स हो गए हैं, और इसमें मैंने एक्स्ट्रा पानी कुछ भी ऐड नहीं किया है, और प्याज के कारण ही जो गोभी है पक गए हैं। ठीक है, और बहुत अच्छा फ्लेवर मीन्स जो प्याज है गोभी को बाइंड कर दिया है। सॉरी अभी मैंने आटा साना है, अभी हाथ धोना है मुझे, आटा सन चुका है मेरा। ठीक है, बस ज़्यादा धोने हाथ को,
और तो मैं कह रहा था कि जो प्याज है उसको जो उसमें जो रस होते हैं पानी होते हैं वो गोभी को पूरा बाइंड कर दिया है, जैसा लगता है कि एक दूसरे के लिए बने हैं गोभी और प्याज। तो इस तरह होता है, लाइफ में भी होता है और रियल लाइफ में भी होता है ऐसा कि एक दूसरे के लिए कभी कभी हमें कोई बहुत अच्छा लगने लगता है और हम चाहते हैं कि हमेशा उनके साथ ही रहें और उनके पास रहें। और उसी तरह प्याज और गोभी भी चाहता है कि हमेशा मैं साथ रहूं, ठीक है, तो इसलिए ऐसा है, उसने अपने आप को कंबाइन कर दिया है, बाइंड कर दिया है। और देखिए कभी भी दोनों एक जब कंबाइन होते हैं तो दोनों की आइडेंटिटी अलग नहीं हो जाती है। लाइफ में भी कभी ऐसा ही होता है कि अगर हम मैं किसी के साथ हूँ और कोई मेरे साथ है तो उसकी आइडेंटिटी खत्म नहीं होती, उसकी आइडेंटिटी और बढ़ जाती है, उसके टेस्ट में बढ़ जाते हैं। जिस तरह गोभी और प्याज अपने टेस्ट में और बहुत ज़्यादा लाजवाब हो गया है, अगर वो अकेले के लिए कोई खाता है तो उतना टेस्ट नहीं आता। ठीक है, गोभी का एक अलग टेस्ट होगा, एक प्याज का अलग टेस्ट होगा, मगर वो कंबाइन करेगा तो टेस्ट अल्टीमेट बनता है। तो इसी तरह लाइफ में बहुत कुछ है, आप हमेशा एक दूसरे से दूसरे से कंबाइन करके रहिए, दूसरे से एक दूसरे की हेल्प करते रहिए, सॉरी, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है, और एक दूसरे की आइडेंटिटी बढ़ेगी हमेशा, कम नहीं होगी, और दोनों को मिल के रहना चाहिए, ठीक है, ऐसा चाहता हूँ मैं। तो अगर आप लोग मुझे बताना कि क्या मैं सही हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो कहाँ पे गलत हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है, कि मेरा जो सोच है, जो मेरा विचार है वो आप तक पहुँच पा रही है कि नहीं पहुँच पा रही है, क्या मैं गलत सोच रहा हूँ कुछ, और क्या मैं सही डायरेक्शन में सोच रहा हूँ, और क्या ऐसा होता है आपके लाइफ में ऐसा कुछ, तो ये सब मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना। और हम खाना तो बनाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी में जब तक है तब तक कुछ ना कुछ नया बनाते रहेंगे और नया इन्वेंट करते रहेंगे, ठीक है, मगर ये सारे बातें बहुत जरूरी है, ठीक है, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस किया, ठीक है। अभी मैं इसे छोड़ देता हूँ 10-15 मिनट के लिए, तब तक मैं हाथ धो लेता हूँ और रोटी बना लेता हूँ, फिर कॉलेज जाना भी होता है, फिर कॉलेज के लिए तैयार होता हूँ। देखिए मैं हर दिन आपको दिखा रहा हूँ, मैं धनिया अभी भी फ्रेश है और बहुत दिन से, आज मैं इस धनिया का जो प्रिजर्व कैसे प्रिजर्व करते हैं मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत छोटी सी है। तो आप देखिए हर दिन मैं आपको दिखा रहा हूँ, कल भी मैंने आपको मैं जो पाव भाजी में बनाया था उसमें दिखाया था कि मैंने धनिया कैसे प्रिजर्व करके रखा था, अभी भी चल रहा है और अभी भी चल रहा है, ठीक है, कम से कम ये 4-5 दिन हो गया है और आज अभी भी कुछ भी खराब नहीं हुआ है। तो आपको मैं आज इस वीडियो में डाल दूंगा, तो आप देखना कि कैसे प्रिजर्व करते हैं और अच्छा रहेगा। इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल दूंगा, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता था इसमें, और इसमें मैं धनिया पत्ते डाल रहा हूँ, ठीक है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा बहुत। देखिए हर बंदे का अलग अलग टेस्ट होता है, हर बंदे की अलग अलग क्वालिटी होता है, मगर जब सब एक साथ मिलते हैं, एक साथ कंबाइन होते हैं तो उसकी टेस्ट अलग रहती है। इसी तरह बिजनेस भी होता है, कोई बिजनेस में कुछ ज़्यादा अच्छा है, कोई बिजनेस में कोई किसी बंदे कोई अलग अलग है, ठीक है, ऐसा लाइफ में भी होता है रियल लाइफ में कि हर बंदे के अलग है, मगर जब कंबाइन होते हैं एक दूसरे से, जब मिलते हैं बात करते हैं तो उनके टेस्ट में खुशबू में और ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह ये भी है, आप खाने को भी रियल लाइफ में से कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है, और देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ हो चुका है, ठीक है, बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा खाने का बहुत जल्दी मन कर रहा है, बस मैं रोटी जल्दी से बनाऊँ और ब्रेकफास्ट कर लूँ और फिर कॉलेज के लिए ले चलूँ। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, वाओ अल्टीमेट। तो ये दोस्तों ये हो चुका है, अब इसे मैं ढक के रख देता हूँ, तब तक मैं रोटी का प्रिपरेशन कर लेता हूँ, रोटी बना लेता हूँ कॉलेज के लिए, ठीक है, बहुत अच्छे बन गए हैं, नमक मक सब कुछ मिक्स हो चुका है और धनिया पत्ते से भी बहुत अच्छा इसके टेस्ट आ रहे हैं, कलर आ रहे हैं, ठीक है, तो आप इस तरह बनाइए घर पे और खिलाइए सबको, और सबको खिलाइए, सबको टेस्ट करवाइए और बताइए, और आप मुझे बताइए कि मेरा रेसिपी कैसा लगा, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो मुझे आप बताना जरूर, मैं एक्सेप्ट करूँगा।
ठीक है, और आप सबका प्यार जो है बहुत अच्छा लगता है मुझे, आप सब इंटरेक्ट करते हो, आप सब मेरे से बात करते हो, और आप सब मेरे वीडियो को देखते हो, इतना प्यार देते हो, बहुत बहुत अच्छा लगता है। और आप सबसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और किसी का दिल ना तोड़े, बस इतना ही चाहता हूँ। दोस्तों इधर रोटी बन रहे हैं, रोटी भी मस्त बनना है, ठीक है। रोटी पतली होना चाहिए कि जिसमें खाने में अच्छा लगे, ठीक है। तो मुझे पतले बेलने भी आते हैं, और इसे मैं डायरेक्ट फ्लेम पे से सुखा देता हूँ। ये देखिए मैं रोटी फुल भी गया, वाओ, थैंक यू सो मच आप लोग। ये रोटी हो चुका है, और ये देखिए मैं लंच के लिए पैक कर रहा हूँ। पैक करना भी बहुत जरूरी होता है, देखिए 1 2 3 4 4 5 रख लेता हूँ रोटी, ये तो पैकिंग हो चुकी है। एक से चार डब्बा रहेगा, ये नीचे, इसके ऊपर और इसके ऊपर, ये ठीक है। और ये चिड़ियों के लिए 2 रोटी देना है। आप ऐसी तरह रोज चिड़ियों को खाना देते रहिए, और बहुत जरूरी है उनको भी कि आपका एहसास हो, आपके रहने का एहसास हो, आपको इस दुनिया में आने का एहसास हो, सबको वो एहसास हो कि हाँ आपने आया इस दुनिया में और कुछ किया है, ठीक है। भले ही कुछ लोग ना बोल पाए, कुछ लोग आपसे ना जता पाए, मगर एहसास तो एहसास ही है, उसे उन्हें भी पता होगा और सबको पता होगा, ठीक है। तो ये नहीं, ये मत सोचिए कि कोई बंदा आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, कोई आपको बोल नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप उनके लिए ना करें, करो सबको एज अ फ्री, मीन्स मैं बताना चाहता हूँ कि आपको ऐसा कुछ नहीं कि हाँ यू नीड फ्रॉम एनी वन देन यू विल डू इट, ओके। आपको किसी से उम्मीद नहीं रखना है, बस आप अपना काम कीजिए, अच्छे से कीजिए, मन से कीजिए, खुशी से कीजिए, ठीक है, तो वो बहुत मैटर करता है। चलिए जल्दी जल्दी दे देता हूँ, फिर उसके बाद मुझे कॉलेज के लिए रेडी होना है, और मेरे पानी गर्म हो चुके हैं, ये देखिए तेजी आन चल रही है, हवा चल रही है, बट देखना पड़ेगा कहाँ कैसे कैसे है। और ये चिड़ियों ने आधा खा चुके हैं, और ये भी हो, इसके पानी का भी है, अभी पानी का कुछ ऐसा कर लेता हूँ कि ये ठीक है, पानी भी और डालना पड़ेगा। तो किसी ने पूछा था कि आप कैसे ये धनिया के पत्ते को प्रिजर्व करते हो, तो देखिए मैं मार्केट से फ्रेश धनिया के पत्ते लाया हूँ, और इस टाइप का एक बॉल है, और इसको ढक्कन भी है, ठीक है। अब क्या करना है ना, इसके जो रूट्स वाले हैं उसको काट देने हैं, ठीक है, जितने हैं रूट्स वाले हैं उसको काट के निकाल देने हैं, क्योंकि अगर रूट्स रहेंगे तो आपके धनिया पत्ते ख़राब हो जाएगा, ठीक है। मैंने रूट्स को काट के हटा दिया है, ठीक है, ये सारे जितने भी रूट्स हैं सारे को काट के हटा दिया, अब इसे है ना इस डब्बे में अच्छे से रख देना है,
ठीक है, आप इसे इस ऐसे यूज करने से बहुत दिन तक चल जाते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर आप फ्रीज यूज़ कर रहे हो, जैसे मेरे पास फ्रीज है मगर अभी यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि अभी मुझे लगता है कि कुछ काम नहीं है फ्रिज का, तो इसलिए नहीं। तो आप अगर फ्रिज में यूज़ करना, फ्रिज में रखना चाहते हो, तो इसके है ना इन जो न्यूज़पेपर आते हैं उसमें इसके रूट्स को काट के और उस न्यूज़पेपर से अच्छे से रैप करके और आप इसे फ्रिज में रख सकते हो, तभी भी आपका धनिया पत्ता फ्रेश ही रहेगा, जिस तरह भी है इस तरह ही रहेगा, कम से कम एटलीस्ट 3-4-5 दिन चल जाएगा आराम से आपके धनिया पत्ता। तो इस टाइप से प्रिजर्व कर सकते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा कि जब भी कुछ बनाना है तो आपके पास धनिया पत्ता रहेगा और सब्जी में डाल सकते हैं और अच्छा लगता है, ठीक है। इसलिए मैंने बता दिया था कि एक मैम ने मुझसे पूछा था कैसे आप धनिया पत्ते को प्रिजर्व करके रखते हो, तो ये है, बस इसे बंद करके रख देना है, ठीक है। और इसे थोड़ा उस एरिया में रखना है जहाँ पे सनलाइट थोड़ा कम आए, अगर सनलाइट ज़्यादा आएगा तो फिर वो ख़राब हो जाएंगे, येल्लो हो जाएंगे पत्ते, और इस तरह से जी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा ये रेसिपी, और आप प्लीज घर पे एक बार ट्राई कीजिए, और कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और अपने सजेशन भी डाल सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं चाहता हूँ आप सब मेरे वीडियो को पूरा देखा कीजिए और मुझे बहुत सारा प्यार दिया कीजिए, मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत प्यार देते होंगे मुझे, और इसी तरह मैं वीडियो में नए नए लेके आऊंगा, तब तक आप सब से साइन आउट, बाय, रवि कुमार, बाय।